नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं गैजेट्स फॉर यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओप्पो A71 का अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू, जो कि ओप्पो ने इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ओप्पो A71 का बॉक्स। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इंडिया में इसका प्राइस रखा गया है 12,990 रुपीज़, और ये अवेलेबल होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मार्केट्स में। आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन है 3GB RAM एंड 8 Core प्रोसेसर, मीन्स ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ये है फ़ोन का पिक्चर। करते हैं साइड की तरफ, तो यहाँ पे मेंशन है ओप्पो। करते हैं बैक साइड, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ की फीचर्स। चलिए देख लेते हैं वो क्या क्या है। तो वही 3GB RAM यहाँ पे आपको मिलने वाला है, 8 Core प्रोसेसर मीन्स ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। बात करें चिपसेट की, तो वो आपको मिलता है MediaTek का 6750, 3000mAh का बैटरी, 13 MP का रियर कैमरा। नीचे है IMEI नंबर्स की डिटेल। इसके अलावा है बॉक्स में आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाले हैं, MRP और ये सारी चीज़ें। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। इस बॉक्स को हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं, चलिए करते हैं इसको ओपन। तो ये हमको सबसे पहले देखने को मिला है इसका फ़ोन, जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लैक कलर में। चलिए एक बार रख देते हैं इसको साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या एसेसरी साथ में देखने को मिलती हैं। तो ये हैं वो एसेसरी जो कि आपको मिलने वाली हैं ओप्पो A71 के बॉक्स के साथ में। सबसे पहले आप देख सकते हैं वही ट्रांसपेरेंट कवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके नीचे है क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी डिटेल। इसके अलावा एक नॉर्मल चार्जर जिसका आउटपुट है 5 वोल्ट एंड 1 एम्पियर, एक माइक्रो USB डेटा केबल और एक ईयरफोन्स। तो ये थे एसेसरी, चलिए रखते हैं इनको साइड में और चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं A71। सबसे पहले बात करें इसके डिज़ाइन की, तो थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज किया है इस बार ओप्पो ने। बात करें फ्रंट साइड की, तो वो ऑलमोस्ट सेम से हैं जैसे दूसरे फ़ोन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बैक में करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर्व बैक। तो ये एक अच्छी बात है कि थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया गया है ओप्पो की तरफ से। बात करें बिल्ट इन क्वालिटी की, तो ये पूरा फ़ोन बना है एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी से। चलिए ले लेते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू और फिर करते हैं इस फ़ोन को ऑन। तो सबसे पहले फ्रंट में आप देख सकते हैं ये है इसका फ्रंट कैमरा, स्पीकर और यह है सेंसर। नीचे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कैप्सिव टच बटन्स। करते हैं साइड में, तो यहाँ पे है सिम ट्रे, यह है पावर की। करते हैं इस साइड, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन की। करते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चार्जिंग पोर्ट और यह है इसके 2 स्पीकर्स। करते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 3.5 जैक। करते हैं बैक के साइड में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक रियर कैमरा, LED फ्लैश और यहाँ पे है ओप्पो का ब्रांडिंग। तो यह है इसका फिजिकल ओवरव्यू। चलिए करते हैं इस फोन को ऑन और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। तो जब तक ये फोन ऑन होता है, हम देख लेते हैं इसके क्विक स्पेक्स। ये फोन आपको मिलता है MediaTek 6750 चिपसेट के साथ में, 3GB RAM, 5.2 इंच का HD IPS डिस्प्ले। ये ड्यूल फोन है, साथ में आप मेमोरी कार्ड लगा के इसकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। 13 MP का रियर कैमरा, 5 MP का फ्रंट कैमरा और 3000mAh का बैटरी इस फोन में आपको मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये फोन ऑन हो चुका है और ये है इसका होम स्क्रीन। बात करें इसकी UI की, तो ओप्पो के फोन्स में आपको मिलता है ColorOS, जिसका वर्जन इस फोन में दिया गया है 3.1, जिसको अपडेट किया गया है। और यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो क्विक एक्सेस फीचर है वो आपको मिलेंगे नीचे की तरफ से, और जो नोटिफिकेशन पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा आपको ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ चेंज किया गया है UI में। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो आपको बता दें इस फोन में आपको मिलता है 5.2 इंच का HD IPS डिस्प्ले। परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं इस वीडियो में अच्छा क्वालिटी हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर फुल HD डिस्प्ले होता तो इसका परफॉर्मेंस और अच्छा हो सकता था। लेकिन ओप्पो और वीवो के फोन आपको ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार रुपये की प्राइस में सिर्फ HD डिस्प्ले ही देते हैं, तो यहाँ पे भी आपको HD डिस्प्ले ही मिलने वाला है। चलिए चलते हैं इसकी सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं एंड्रॉइड का वर्जन मिलने वाला है आपको नोगट, जो कि है 7.1। बात करें कलर OS वर्जन की, तो वो है 3.1, और बाकी कुछ डिटेल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16GB इंटरनल स्टोरेज में से आपको ऑलमोस्ट 8.62GB का स्पेस फ्री मिलने वाला है, मीन्स ऑलमोस्ट 7GB इसमें यूज किया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की परफॉर्मेंस की। तो आपको बता दें इस फोन में आपको मिलने वाला है 13 MP का रियर कैमरा, जो कि आता है F2.2 के साथ में, और 5 MP का फ्रंट कैमरा F2.4 के साथ में। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके मोड्स, जिसमें कि टाइमलेस, वीडियो, फोटो, ब्यूटी, पैनोरामा और एक्सपर्ट मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चले लेते हैं कुछ पिक्चर्स और देखते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा हमें देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ सैम्पल पिक्चर जो कि हमने लिए हैं इसके रियर और फ्रंट कैमरे से। बात करें रियर कैमरे की इमेजेस में, तो वो काफ़ी अच्छी इमेजेस हमको देखने को मिली, डिटेलिंग भी अच्छी देखने को मिल रही है। बात करें कलर कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन की, तो वो भी काफ़ी प्रॉपर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की, जो कि आपको मिलता है 5 MP, वहाँ पर हमें कैमरा एवरेज देखने को मिला। पिक्चर हालांकि क्लियर है, बट अगर हम बात करें डिटेलिंग की, तो वो बहुत
बहुत ज़्यादा आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ इनिशियली पिक्चर हैं, बाकी हम आपको बताएंगे अपने फुल रिव्यू में कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा निकल कर आता है। बात करें फोन की परफॉर्मेंस की, तो आपको बता दें इस फोन में आपको मिलने वाला है MediaTek का 6750 चिपसेट। ये चिपसेट हम ओप्पो और वीवो के काफ़ी सारे फ़ोन में देख चुके हैं और A71 में भी आपको यही चिपसेट मिलने वाला है। रैम यहाँ पर आपको मिलता है 3GB का और इंटरनल स्टोरेज मिलता है 16GB का। तो ये था इस फोन का अनबॉक्सिंग और इनिशियली इंप्रेशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे कैसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।